मुर्ग के बारे में मशहूर है कि जब वो किसी शिकारी को देखता है तो अपनी गर्दन रेत में दबा लेता है और ये समझता है कि अब इसे कोई नहीं देख रहा। ऐसी कोई बात नहीं, हकीकत सिर्फ इतनी है कि आराम करते वक्त शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन जमीन पर झुका लेता है। ये देखने में बहुत मासूम मालूम होता है। इसकी आंखें तमाम जानवरों से बड़ी होती हैं। इसका सर छोटा, गर्दन लंबी और पतली, जबकि टांगे गर्दन की तरह लंबी और मजबूत होती हैं। ये अपने तेज नाखूनों से दुश्मन का मुकाबला करता है। इस परिंदे को इसलिए शुतुरमुर्ग कहते हैं कि कदो कामत और चाल ढाल में ऊंट जैसा होता है, मगर इसके बावजूद ये परदार जानवर है। फारसी जुबान में शुतुर के मायने ऊंट और मुर्ग के मायने परिंदे के हैं, इसलिए इस परिंदे को शुतुरमुर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है। अपने भारी भरकम जिस्म की वजह से ये उड़ नहीं सकता, इसलिए खतरा महसूस करते ही तेजी से भागकर दूर चला जाता है। इसकी मजबूत टांगे इसे ढूंढने में मदद देती हैं। अगर इसे घेर लिया जाए तो ये डट कर मुकाबला करता है। मुकाबला करते वक्त ये अपने तेज नाखूनों को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। शुतुरमुर्ग हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ये बहुत शर्मीला परिंदा है, मगर हर वक्त चुकन्ना रहता है। इसकी लंबी गर्दन रीडर का काम सरंजाम देती है। अपनी लंबी गर्दन से ये दुश्मन को दूर से ही देख लेता है। इसका असल वतन तो अफ्रीका और अरब के रेगिस्तान है, मगर अब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अमेरिका और एशिया के बाज़ हिस्सों में पाया जाता है। दुनिया में मौजूद परिंदों में शुतुरमुर्ग सबसे कद-दावर परिंदा है। आमतौर पर शुतुरमुर्ग का कद 6 से 8 फुट तक होता है। इसकी लंबाई में नुमाया हिस्सा इसकी गर्दन और टांगों का होता है। आमतौर पर इसका वजन 100 से 150 किलोग्राम तक होता है। दुनिया में मौजूद तमाम परिंदों में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा और वजनी होता है, मगर मजे की बात ये है कि इसके अपने वजन के हिसाब से ये तकरीबन 100वां हिस्सा होता है, जो इस लिहाज से तमाम परिंदों में सबसे छोटा होता है। मादा शुतुरमुर्ग अंडे देती है और इनके सीने का काम नर शुतुरमुर्ग सर अंजाम देता है। अंडे देने के बाद मादा शुतुरमुर्ग इनके 3 हिस्से करती है। एक हिस्सा जमीन में दफन करती है, दूसरा हिस्सा धूप में रखती है और तीसरे हिस्से को नर शुतुरमुर्ग के लिए सीने के लिए छोड़ देती है। जब बच्चे निकल आते हैं तो नर शुतुरमुर्ग धूप वाले अंडों को तोड़कर बच्चों को पिलाता है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो रेत में दफन किए हुए अंडों को निकालकर उनमें सुराख कर देता है। इसमें से निकलने वाले मुवाद को खाने के लिए चींटियां और दूसरे कीड़े मकोड़े जमा हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग इन्हें पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों के आगे डालता है, जिसे वो शौक से खा जाते हैं। शुतुरमुर्ग इंसान को
अपनी पुश्त पर बिठाकर बहुत तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन ऐसे सूरत में वो आधे घंटे बाद थक जाता है और इसे आराम की जरूरत होती है। शुतुरमुर्ग सीधा भागने की बजाय लहरा कर दौड़ता है, हर लम्हा दाएं बाएं मुड़ता है, लिहाजा इस पर सवार को बहुत चौकस होकर बैठना पड़ता है। शुतुरमुर्ग का गोश्त बेहद मजेदार और ताकतवर होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा परिंदा है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।